वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में हम समझेंगे सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। इनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं अगर हम डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स लेक्चर पूरा देखिएगा, और इसके साथ ही साथ जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स है वो अवेलेबल है आप सभी के लिए। देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सीख लीजिए सारी चीज़ें, सीक्वेंस वाइज सब कुछ सेट है, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ओके, आगे बढ़ने के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ रेगुलरली कनेक्ट रह सकें और रेगुलरली सीख सकें। सो सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स, ये तीनों फंक्शंस हम सीखेंगे, ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कीज भी बताऊँगा। ओके, सो लेक्चर को ज़रूर देखना है और पूरा देखना है। ओके, सो चलिए डेटा समझ लो, सिंपल सा डेटा है, कुछ नहीं है। देखो पहली रो समझ लो, पूरा डेटा समझ में आ जाएगा। फ्रांस की गवर्नमेंट कोई कंपनी है, उसने बल्ब खरीदे हैं इतने, ठीक है। ऐसी कनाडा की गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उन्होंने बल्ब खरीदे इतने, ये मतलब हर रो का मतलब है एक ऑर्डर, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्डर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज ने ऑर्डर प्लेस करे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ओके, प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, बल्ब, फैन, कीबोर्ड, मोबाइल, प्रिंटर, वॉच, ठीक है। कंट्रीज आप देख लो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड किस टाइप की कंपनी है वो देख लो, एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, गवर्नमेंट, एनपीओ, टेक्नोलॉजी। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई, और ये चीज़ तो पक्की है कि ये जो पांच टाइप की कंपनीज हैं ये हर कंट्री में, मतलब फ्रांस में भी पांचों टाइप की कंपनीज हैं, कनाडा में भी पांचों टाइप की कंपनीज हैं, और ठीक है, मतलब कोई भी टाइप की कंपनी किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकती है, ठीक है। डेटा देख लो, काफ़ी बड़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा डेटा है। सो यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो सम इफ्स करेंगे, और क्वेश्चंस का यूज़ करके बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट करा हुआ है, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरियाज का हम यूज़ करेंगे, सो हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी नहीं आती तो आप सीख लीजिएगा, मैंने पूरा अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स है ना डेटा एनालिस्ट वाला, उसमें सब कुछ सिखाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करना है सीख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर सिंपली हमको सम इफ्स सीखना है, राइट। आप सिंपली अगर आपने मान लो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लगाई है तो तीन सेल में आप वैल्यू लिख दो, भाई इसका मतलब क्या है, तीन सेल में तीन डिफरेंट वैल्यूज ही तो लिखी हुई हैं, राइट। बस मैंने थोड़ा एडवांस फीचर लगा दिया, अगर मान लो मेरे को वैल्यू चेंज करनी है तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से दूसरी वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा, अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना नहीं आता तो सीख लेना ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है उससे, ठीक है। सो चलिए सम इफ्स लगाते हैं, और जो सम इफ्स है वो क्या करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर सम निकाल के देता है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया है, मुझसे ये बोला गया है कि फ्रांस की एनपीओ टाइप की कंपनी ने जितने भी मोबाइल खरीदे हैं, ठीक है, उन सबका सम बताओ। तो आपको पता है कई बार ऑर्डर प्लेस किया हुआ हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू सेट कर देते हैं, कंपनी कौन सी है एनपीओ टाइप की, और कंट्री कौन सी है फ्रांस, और प्रोडक्ट कौन सा है मोबाइल, ठीक है, एनपीओ फ्रांस मोबाइल। तो कई बार ऑर्डर प्लेस किया हुआ हो सकता है, ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं, एनपीओ फ्रांस मोबाइल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एनपीओ के और ये सारे ऑर्डर्स हैं, और यहां से सिर्फ फ्रांस लेना है, और यहां से सिर्फ मोबाइल लेना है, तो दो ही हैं, ठीक है, दो ही ऑर्डर प्लेस है, तो इनका सम निकालना है। अब इतने बड़े डेटा सेट में से तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, सम इफ्स का ही तो यूज़ करना पड़ेगा,
ताकि मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम सम कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समिट्स लगाते हैं यहाँ पे SUM IFS एंड इसके बाद अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, इन सभी का ही तो सम निकालना है। बस क्राइटेरिया कौन से हैं, NPO फ्रांस मोबाइल, तो क्राइटेरिया तो बाद में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जहाँ पर सम है, ठीक है, जो वैल्यूज हैं जिनका सम करना है, उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो। रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले लेफ्ट क्लिक करो, कंट्रोल और स्पेस बार दबा दो, अभी पूरी रेंज ऑटोमेटिकली पूरी सेलेक्ट हो गई नीचे तक। अब यहाँ से कहीं और क्लिक मत करना, उसके बाद यहाँ जो स्क्रोल बार है ना, इसको ऊपर ले आओ बस लेफ्ट क्लिक करके। अब ये देखो ये पूरा जो सम रेंज है वो सिलेक्ट हो गई, कॉमा लगाओ, ऊपर भी आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद पहला क्राइटेरिया दो, ठीक है, पहला क्राइटेरिया की रेंज, ओके। सो सबसे पहले कंपनी, तो वो यहाँ से कंट्रोल और स्पेस बार, ठीक है, ये देखो पूरा सिलेक्ट हो गया, एंड इसके बाद कॉमा, एंड अब ये कंपनी कहाँ से लेनी है, मतलब जो क्राइटेरिया की रेंज थी, अब उस क्राइटेरिया की रेंज का कौन सा क्राइटेरिया है, वो ये रहा इधर लिखा हुआ है, कॉमा। अब सेकंड क्राइटेरिया, कंट्रोल और स्पेस बार, ये आ गया ऊपर लो। अब इसकी वैल्यू कहाँ है, वो ये रही, जिसके बेसिस पे हमें वैल्यूज फिल्टर करनी है। अब इसके बाद तीसरा, वो ये रहा, कंट्रोल और स्पेस बार, ऊपर लो एंड कॉमा लगाओ, वैल्यू, अब सिंपली ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया 1368। अब इस सेल में समिफ्स लगा हुआ है, राइट, ये वाला सेल तो क्रिएट करना जानते हो ना, सिंपली ये लो मर्ज कर दो और अंदर कलर भर दो, ठीक है, तो वाइट कलर ले लो। अब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू होगी वो इस तरीके से आएगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटर कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है, क्लियर, ओके। अब मान लो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, एजुकेशनल लेता हूँ, तो देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, तो मेरे को टाइप तो नहीं करना पड़ा ना। मान लो अब बताओ ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू ये बता रही है कि फ्रांस की एजुकेशनल कंपनीज ने टोटल इतने फैंस खरीदे, तो इतने बड़े डेटा में से देखो कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं काउंटिफ्स, काउंटिफ्स क्या बताएगा हमको, ये मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेसिस पर काउंट करेगा वैल्यूज को। देखो क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि मेरे को ये बताओ कि कनाडा की, ये वाला, ठीक है, कनाडा की टेक्नोलॉजी कंपनी ने वॉच के कितने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, कनाडा की टेक्नोलॉजी कंपनी ने वॉच के कितने ऑर्डर्स दिए हैं, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ले लेते हैं एंड यहाँ पे कनाडा ले लेते हैं और यहाँ पे वॉच ले लेते हैं, लेकिन ये तो अभी टोटल सम आ रहा है ना वॉचेस का, लेकिन हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता करने हैं, तो एक बार ना टेक्नोलॉजी कनाडा वॉच ये देखते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी कनाडा वॉच, तो टोटल कितने ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो ये हम बस करेंगे काउंट इफ्स की मदद से, ठीक है। तो बस हमको यहाँ पे क्या करना है, यही वाला जो है ना प्रोसीजर तो आपको पता ही है, कैसे कैसे क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्राइटेरिया की वैल्यू देनी है, ये तो आपको पता ही है। बस हम यहाँ पर समिफ्स की जगह लिख देंगे COUNTIFS काउंटिफ्स, ठीक है। और उसके बाद ना समिफ्स में हम क्या कर रहे थे, सम वाली जो रेंज थी वो दे रहे थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर सम तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सम रेंज जो दे रहे थे हम स्टार्टिंग में, ठीक है, वो हटा देंगे। अब बस सिंपली हमारा क्या बचा है, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, तो तीन ही हमारे क्राइटेरियाज हैं, कंपनी, कंट्री, प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी वो सिलेक्टेड है, देख सकते हो, कंपनी, कंपनी का है इधर G7,
कंट्री कंट्री का है G8 में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का है G9 में, राइट। तो ये आप समझ गए क्रिटेरिया रेंज और क्रिटेरिया की वैल्यू, क्लियर। तो देखो आ गया 6, अभी मैंने आपको दिखाया था ना फिल्टर करके 6 था, राइट। तो अब देखते हैं एवरेज। तो जैसे मान लो आपको एवरेज प्रॉफिट पर ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, तो मतलब एवरेज निकालना हो, तो वो एवरेज कैसे काउंट करोगे, तो वो एवरेज इफ्स की मदद से काउंट करोगे, ठीक है, जहां पर मल्टीपल क्रिटेरियाज लगे हो। तो जैसे सम के अंदर हमने सम रेंज दिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने क्रिटेरिया देने चालू करे थे, लेकिन एवरेज इफ्स में भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, एवरेज वाली रेंज देंगे उसके बाद क्रिटेरिया। काउंट इफ्स में हमने सिंपल क्रिटेरिया और रेंज दिया था, इतना याद है ना। तो चलो अब एवरेज इफ्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो क्वेश्चन क्या है, पर ऑर्डर एवरेज यूनिट्स ऑफ बल्ब बाय अ गवर्नमेंट कंपनी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस लेते हैं एंड इसके बाद गवर्नमेंट, ठीक है, मत आपको पता है कि मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कि फ्रांस के किसी गवर्नमेंट कंपनी ने बल्ब्स ऑर्डर किए हों, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 16 times करें, ठीक है, 16 times, ठीक है, 16 बार ऑर्डर करा है फ्रांस की गवर्नमेंट कंपनी ने बल्ब्स को, और हर ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स परचेज करी, राइट। तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है थर्ड वाले में, पर ऑर्डर एवरेज यूनिट्स, ठीक है, मतलब बाय एवरेज एक ऑर्डर पर कितनी यूनिट्स बाय करी हैं फ्रांस की गवर्नमेंट की कंपनी ने बल्ब की, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एवरेज इफ्स लगाना है, AVERAGE एवरेज इफ्स, एंड एक कॉमा लगा दो, एंड इसके बाद देखो क्रिटेरिया और रेंज वो तो सब यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने, ठीक है, बस अब यहाँ पर मेरे को एवरेज वाली जो रेंज है वो देनी है, ठीक है, लिखा रहे थे एवरेज रेंज, तो इधर सिंपली लेफ्ट क्लिक करो, कंट्रोल और स्पेस बार दबा दो, तो पूरा सेलेक्ट हो गया एवरेज रेंज। अब इसको ऊपर ले आओ, ये हो चुका है पूरा, देखो बन गया। तो ऑन एन एवरेज इतना जो है वो यूनिट्स परचेज करा है, तो वो ऑब्वियसली आप जानते हो कि डेसिमल में दिखाएगा, एवरेज काउंट करा है, ठीक है, तो इसको हम डेसिमल हटा देते हैं। तो ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो USA की गवर्नमेंट की कंपनी ने कितने बल्ब खरीदे हैं, ठीक है, पर ऑर्डर एवरेज यूनिट्स, ठीक है, या फिर पर ऑर्डर एवरेज यूनिट्स ऑफ कीबोर्ड, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा, अच्छा ये भी 662 है, ये भी 662 है, प्रिंटर है 625, वॉच है इतना, ठीक है, हाँ, तो बल्ब का और कीबोर्ड का एक ही एवरेज आ रहा है पर ऑर्डर, ठीक है। सो चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट्स। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को।